अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम द टॉक शो और मैं हूं बतूल राजपूत। प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करने से पहले दो अहम बातें करना बहुत ज़रूरी हैं कि स्वीडन में जो कुरान पाक की बेहरमती की गई उसकी हम सब एक कौम की हैसियत से मजम्मत करते हैं, और मेरा ख्याल है कि दुनिया का कोई भी मज़हब जो दूसरे मज़हब को भी इज़्ज़त देता है वो कभी इसकी तारीफ़ नहीं कर सकता और इसकी तायद नहीं कर सकता। लेकिन मुझे लगता है कि इंटरनेशनल कम्यूनिटी को इस बात पर काम करने की बहुत ज़रूरत है कि स्वीडन में ऐसे वाक़यात बार बार क्यों होते हैं, इसकी क्या वजह है। इस पे बाकायदा उन्हें रिसर्च वर्क करना चाहिए और अपनी सोशल वैल्यूज़ को रिविज़िट करना चाहिए, इंटरनेशनल कम्युनिटी को मिलके करना चाहिए। आज एक और अहम बात का जिक्र करना भी बहुत ज़रूरी है कि आज हमारे शहीद हवालदार लालक जान साहब का 24वां यौम शहादत है। उनके हवाले से एक स्पेशल पैकेज आपको दिखाएंगे और फिर प्रोग्राम का बाकायदा आगाज करेंगे। सरजमीन वादिया गुजर का दिलेर सपूत हवालदार लालक जान शहीद निशान हैदर, एक ऐसा जर्री जिसकी बहादुरी का एतराफ़ दुश्मन ने भी किया। अप्रैल 1967 में पैदा होने वाले लालक जान ने पाक फौज की नॉर्दर्न लाइट इन्फेंट्री में शमूलियत अख्तियार की। पेशावरना सरायतों की बिना पर आप यूनिट की बेशतर टीमों का हिस्सा रहे। आपकी ड्रिल, फौजी टर्नआउट, जिस्मानी चुस्ती हमेशा मिसाली रही। कारगिल जंग में जब दुश्मन अपने मजमूम मकासद के हुसूल के लिए हमलावर हुआ तो 12 एनलाई के बेबाक नडर और बहादुर सिपाही हवलदार लालक जान ने खुद को अगले मोर्चों पर लड़ाई लड़ने के लिए पेश किया। जून 1999 के आखिरी हफ्ते में दुश्मन ने लालक जान की पोस्ट पर मुख्तलिफ अतराफ से हमले किए, लेकिन हवलदार लालक जान एंड कंपनी ने जुरत का भरपूर मुजाहरा किया और दुश्मन को भारी जान नुकसान उठाना पड़ा। जुलाई की रात को दुश्मन ने लालक जान की पोस्ट पर तीनों अतराफ से हमला किया जिसमें वो शदीद जख्मी हुए। उसी हालत में पाकिस्तान के दिलेर बेटे ने बारूद दुश्मन के बंकर में फेंका जिससे दुश्मन के दर्जनों फौजी हलाक हो गए। बुजदिल दुश्मन की जानिब से चलाई जाने वाली कई गोलियां लालक जान ने अपने सीने पर खाई और शहादत का जाम पिया। उनकी बेमिसाल जुर्रत और लाजवाब कुर्बानी के एतराफ में उन्हें निशान हैदर का एजाज नवाजा गया। कौम आज हवालदार लालक जान शहीद निशान हैदर का 24वां यौम शहादत अकीदत एहतराम के साथ मना रही है। वादे गुजर आज भी लालक जान की जुर्रत और बहादुरी के किस्सों से गूंज रही है, ऐसी बहादुरी जिसका एतराफ दुश्मन ने भी किया। जी आपने देखा, और ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि आप अपने शहदा को ऑन एंड ऑफ मुख्तलिफ इवेंट्स पे याद करते रहें, क्योंकि ये वो कुर्बानियाँ हैं जिनके बगैर मुल्क चल नहीं सकता। पाकिस्तान में पाकिस्तान की आवाम हो या पाकिस्तान की अफवाज हो, जो आपको जिस बात का कंपैरिजन नहीं मिलता दुनिया में वो एक जज्बा है, और उस जज्बे की याद को बार बार दोहराना और उसकी कदर करना हम सबकी जिम्मेदारी है। इस वक्त मेरे साथ प्रोग्राम में ब्रिगेडियर गजनफर साहब मौजूद हैं, डिफेंस एनलिस्ट हैं, माजिद निज़ामी साहब जॉइन करें, सीनियर एनलिस्ट हैं, जर्नलिस्ट हैं मेहताब हैदर साहब मुझे ज्वाइन करेंगे, जर्नलिस्ट हैं, इकॉनमी को कवर करते हैं। आज हमारे प्रोग्राम में हम मैंने ऐसे मेहमानों को बुलाया है जो मुख्तलिफ फील्ड से हैं और अपना अपना एक परसेप्शन रखते हैं, इकॉनमिस्ट हैं, जर्नलिस्ट हैं, डिफेंस एनलिस्ट हैं, लेकिन हम उनसे बात सियासत पर करेंगे, बात इकॉनमी पर करेंगे कि वो अपने अपने परसेप्शन पर पाकिस्तान के जो हालात हैं। एक तरफ हम एक ऐसा मुल्क बन गए हैं जो IMF से डील होने के बाद खुशियां मना रहे हैं, लिटरली सोशल मीडिया पे आपको खुशी की लहर नजर आई कि शुक्र है डील हो गई है, लेकिन क्या वो खुश होने की बात है, लम्हा फिक्री है, इस पर हम लोग नहीं सोच रहे अब तक, या एक और रेड फ्लैग है जिसको एड्रेस करने की ज़रूरत है। एहसन इकबाल साहब ने कहा है कि अगर कौम फैसला कर ले तो पाकिस्तान 10 साल में खोया मुकाम हासिल कर लेगी, ऐसा कैसे हो सकता है, ऐसा कैसे होगा, इसके लिए एग्जैक्टली क्या करना है। माजिद निज़ामी साहब आपसे मैं शुरुआत करती हूँ। माजिद मुझे बताइएगा कि अब इलेक्शन भी लग रहा है कि बहुत करीब हैं, वफाकी हुकूमत के 5 साल मुद्दत ख़त्म होने के लिए रह गए, लेकिन हमें पॉलिसीज़ में क्लैरिटी नज़र नहीं आ रही है, ऐसा क्यों है? जी बहुत शुक्रिया, ये एक इंतहाई अफसोसनाक सूरत हाल है कि सियासतदान माशी मामलात में खसूसन और सियासी मामलात में अमूमी तौर पर एक ऐसा रवैया रखते हैं जो तवील मुद्दती पॉलिसीज को जाहिर नहीं करता। उसकी वजूहात कई हो सकती है, उस पर बात भी हो सकती है, लेकिन अमलन यही साफ जाहिर है कि सियासतदान किसी भी जमात से हो, वो लॉन्ग टर्म प्लानिंग के हवाले से उनकी पॉलिसीज में फुकदान पाया जाता है। ये है वो एक बुनियादी वजह जिसकी वजह से हमें मुआशी महाज के ऊपर नाकामियों का सामना करना पड़ता है, और सियासत में भी चूंकि पॉइंट स्कोरिंग बहुत ज्यादा हो गई है, पॉलिटिकल जो हीट है वो बहुत बढ़ गई है, पोलराइजेशन में बहुत इजाफा हो चुका है, और पिछले 6-8 महीनों में खसूसन मामलात पॉइंट ऑफ नो रिटर्न की तरफ चले गए हैं, तो
तो इस ऐसी सूरत हाल के अंदर फिर जब हालात गंभीर हो तो फिर ऐसा कोई बुजुर्ग सियासतदान भी नहीं दिखाई देता, ऐसे कोई इंटेलेक्चुअल्स भी दिखाई नहीं देते कि जो इसको किसी बेहतरी की तरफ लेके जा सके। बिकेजी साहब, आप अपने पर्सपेक्टिव से ये बताइएगा कि जो निगरान सेटअप के लिए निगरान वज़ीर आज़म के हवाले से बातचीत है, माजी में भी हमने देखा है कि कभी मामला पार्लिमानी कमेटी की तरफ जाता रहा है, कभी इलेक्शन कमीशन की तरफ जाता रहा है, कभी स्मूथली भी हुआ है। इस दफ़ा आपको लगता है कि ये स्मूथली हो जाएगा क्योंकि शहबाज शरीफ साहब तो अपोजिशन से बात करने को तैयार नहीं है और उस तरफ से जो प्रेशर आएगा वो कैसे एड्रेस करेंगे, और ये ज़रूरी है कि ये सेटल डाउन हुआ है सून एज पॉसिबल? बहुत बहुत शुक्रिया बतू। इस वक्त एक बहुत ही डिफरेंट किस्म की सिचुएशन है, अगर आप देखिए ग्राउंड पे, वो वाली सिचुएशन नहीं है जिसमें एक अपोजिशन होती थी और एक हुकूमत होती थी और वो दोनों आपस में बातचीत करते थे। अब एक हुकूमत है जो 13 पार्टियों की एक लोग हैं, नेक्सस है 13 पार्टियों का जो बैठे हुए हैं और उन्होंने कब्जा किया हुआ है और इम्पोर्टेड हुकूमत है, उसको फोर्सफुली बिठाया गया था। अब उसकी तारीख सबको पता है पाकिस्तान में, कोई ये कहे कि लोगों को पता नहीं है कि वो किस तरह आए थे, तो आई थिंक वो एक गैर यकीनी गैर हकीकी सी बात होगी। अब इस वक्त है अपोजिशन कौन? अपोजिशन तो अगर आप असम्बली में जाएंगी तो वही लोग जो पीटीआई से निकले थे, जिनके ऊपर जिनसे अमेरिकन एम्बेसडर ने मुलाकात की थी और उनकी तमाम की तस्वीरें जो है वो टेलीविजन चैनल्स पे चली थी, और फिर इसके बाद जो रुपए का नोट तोड़ हुआ, जो मैरियट में जो कुछ हुआ वो भी आपके सामने। तो हकीकी अपोजिशन तो है कोई नहीं। अपोजिशन है कौन पहले तो ये सोचिएगा, अपोजिशन है राजा रियाज है या नूर आलम है या इस किस्म के लोग हैं, तो वो किसके वो किस तरह किस तरीक़े कार से पीटीआई से टूट के आए थे ये तमाम चीज़ों को पता है। पाकिस्तान में आप रेडी में जाके किसी रेडी वाले से पूछे एक वो आपको बता देगा कि वो लोग किस तरह आए थे। तो जहाँ तक आपने फरमाया कि अपना अपोजिशन ये अपना निगरान वज़ीर आज़म, तो उसमें तो वो गवर्नमेंट जो ये हुकूमत है अभी इसी की मर्जी चलेगी ना, क्योंकि जो कुछ कहेंगे वो राजा रियाज को, आप राजा रियाज से तवक्को करें कि उसका कोई पॉलिटिकल एक्यूमन है या उसको कोई अकल है या उसकी कोई सोच है या उसका कोई विजन है, तो इट इज लिविंग इन अ फूल्स पैराडाइज। तो वो जो कुछ आप ये चाहेंगे, जिसको के ऊपर हाथ रखेंगे, जिसके ऊपर इशारा होगा, वो जो है निगरान वजीर आजम बन जाएगा। कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, क्योंकि अगर सीटों के हिसाब से आप देखती हैं तो सीटों के हिसाब से तो फैक्चुअली पीटीआई है जिसको एज ए पार्टी अपोजिशन में होना चाहिए था, शाह महमूद कुरैशी और बाकी लोगों को अपोजिशन में होना, लेकिन वो तो नहीं है। वो तो जब जिस वक्त हुकूमत थी उसी वक्त हुकूमत से बाहर निकल गए थे, पंजाब गवर्नमेंट में भी निकल गए थे, केपीके में भी निकल गए थे। अब तो जो अपोजिशन, अब तो वो तो उनका तो रोल कोई नहीं है ना, उन्होंने असेंबलियाँ ज्वाइन किया कि आप कहें कि उनका कोई रोल होगा। तो मेरा ख्याल ये इतना बड़ा कोई आज, हाँ मसला किस तरह होगा? मसला होगा जहाँ पे बंदर बांट हो रही है कि तू प्राइम मिनिस्टर तो मैं वजीर आजम, तो मैं सदर तो आप प्राइम मिनिस्टर। जी माजिद, आप इस सवाल का मुझे जवाब दे दें कि कितना इम्पोर्टेंट है कि ट्रांसपेरेंसी मेंटेन की जाए। वो लोग जो फॉर एग्जांपल चेयरमैन पीटीआई के दौर में जेल में रहे या उन पर कोई केसेस बने, वो अगर आपको निगरान वजीर आजम के तौर पर नजर आएंगे तो ये क्या इम्प्रेशन छोड़ता है, और फिर जो नैब की तरमीम है वो क्या इम्प्रेशन छोड़ती हैं, और ये निगरान सेटअप में वो सब कुछ नज़र आना जो एक पावरफुल गवर्नमेंट कर सकती है अपने मफाद के लिए, व्हाट डज दैट मीन फॉर यू? जी, मैं ये समझता हूँ कि ये मामला बहरहाल काबिल तनकीद ही है और अभी तक इसमें कोई ऐसा रोशन पहलू नजर नहीं आया जिससे हम इत्तफाक कर सकें। इशू यही है कि हकूमत इस वक्त इस मूड में है कि ऐसा सेटअप लेके आया जाए कि जिसके अंदर बहरहाल मुस्लिम लीग नून को और पीडीएम जमातों को फायदा हो, और जो सियासी सूरत हाल बनी हुई है और जो मुल्की फिजा है और रियासत के अहम इदारों का एक सियासी जमात के हवाले से तहफुजात का मामला भी है, तो उसका फायदा हुकूमत वक्त जरूर उठाएगी और ऐसा निगरान सेटअप लेके आएंगे कि जिसके अंदर शफाफियत से बढ़कर मौजूदा हुकूमत के इलेक्शन जीतने के हवाले से असबाब मौजूद हों। तो ये वो नुकता है कि जिसके ऊपर बहरहाल बात होनी चाहिए और इस चीज को इंश्योर किया जाना चाहिए, लेकिन आज तक की सूरत हाल में ऐसा ही लग रहा है कि ऐसा निगरान सेटअप होगा जैसा पंजाब में है और केपी में है, कि जो बज़ाहिर हैं तो नॉन पॉलिटिकल लोग, लेकिन बहरहाल वो एक सियासी जमात और एक सियासी रहनुमा के मुखालिफ हैं। अगर मुखालिफ नहीं है तो कम अज़ कम माजिद, यहाँ पे मुझे एक ब्रेक लेनी है और ब्रेक के बाद वापस आते हैं।
प्रोग्राम में खुश आमदीद। मेहताब हैदर साहब, आप इकॉनमी कवर करते हैं, आपने देखा कि IMF के साथ जो मुआहदा था वो कितनी मुश्किलों से हुआ, फिर ये भी कहा जा रहा है कि शहबाज शरीफ ने अपनी पर्सनल PR भी इस्तेमाल की, श्रीलंका बनते बनते हम रह गए, लेकिन श्रीलंका की डील फिर भी पहले हो गई थी, हम लेट गए, और अब जब ये डील हो गई तो हम लिटरली खुशियाँ मना रहे हैं कि डील हो गई है, लेकिन क्या हम इसकी हसासियत को समझ रहे हैं? आसिफ अली जरदारी साहब ने ये तो कह दिया है कि अब एक चार्टर ऑफ इकॉनमी होना चाहिए, लेकिन उसका इनिशिएटिव कौन ले रहा है? और इस पे आने से पहले आप मुझे ये बताइएगा कि मौजूदा सूरत हाल में इस हवाले से सोच कौन रहा है, क्योंकि एक तरफ हम निगरान सेटअप बना रहे हैं और फिर एक बड़ा किरदार फौज का जो इकॉनमी में आने वाले वक्त में देख रहे हैं उससे भी बात करेंगे, बट बताइएगा कि पोलिटिकल पार्टीज एग्जैक्टली तैयारी क्या कर रही हैं इलेक्शन की? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, बुनियादी तौर पे इस टाइम एक IMF का जो प्रोग्राम था जो कि एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी की सूरत में था, जो 30 जून को ख़त्म हो रहा था, तो उस प्रोग्राम चूंकि वो तो रिवाइव नहीं हो सकता था, या रिवाइव होता भी तो पाकिस्तान को सिर्फ एक किस्त मिलनी थी, उसका टाइम पीरियड एक्सटेंड नहीं हो सकता था। तो पाकिस्तान और IMF ने एक अरेंजमेंट किया जिसको स्टैंड बाई अरेंजमेंट कहते हैं। ये 9 मंथ्स के लिए प्रोग्राम है, $3 बिलियन पाकिस्तान को मिलेंगे। अभी उस प्रोग्राम के तहत ये है कि आज आपने देखा कि जो IMF की रेजिडेंट चीफ हैं, जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो इस टाइम वो इमरान खान साहब के साथ जमान पार्क में उनकी एक मीटिंग जो है वो चल रही है, उसके साथ उससे पहले उन्होंने PMLN के साथ तो बेसिकली ये निगोशिएट किया था, और कल पीपल्स पार्टी के साथ भी उन्होंने इसके बारे में बातचीत की। क्योंकि उसकी वजह ये है कि अगर आप इस प्रोग्राम का टाइम पीरियड देखें तो ये 9 माह का प्रोग्राम है, उसका $1 बिलियन अभी PDM की हुकूमत के दौरान मिलेगा, 12 जुलाई को उसकी मीटिंग शेड्यूल्ड है IMF के एग्जीक्यूटिव बोर्ड की, जो कि वाशिंगटन में होगी। जो अगली किस्त होगी वो केयर टेकर सेटअप के दौरान मिलेगी $1 बिलियन अक्टूबर नवंबर में, और जो आखिरी उसकी किस्त होगी जो कि दिसंबर में उसका रिव्यू ड्यू होगा, जो कि बेसिकली होगा जनवरी फरवरी के अंदर, और मार्च तक इस प्रोग्राम का पीरियड है। तो ये $3 बिलियन 3 मुख्तलिफ हुकूमतों ने इसको इम्प्लीमेंट करना है। तो इसलिए जो IMF की रेजिडेंट चीफ हैं, ये बड़ा अनयूजुअल है, वो तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को भी कॉन्फिडेंस के अंदर ले रही है, क्योंकि उसकी वजह ये है कि एक मुल्क के अंदर पॉलिटिकल ट्रांजिशन भी जारी है। लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि मेहताब साहब, क्या ये नॉर्मल एक्सरसाइज है कि वो सब पॉलिटिकल पार्टी से इंडिविजुअली मिल रहे हैं? ये इज दिस नॉर्मल एक्सरसाइज, डज इट यूजुअली हैपन? ये बेसिकली पहले भी IMF करता रहा है, लेकिन ये बैकडोर चैनल के जरिए करता था, और पब्लिकली इसके बारे में जो है वो नहीं बताया जाता था। ये मैक्सिमम ये हुआ कि जब 2019 का प्रोग्राम हुआ तो मुझे याद है कि वो स्टैंडिंग कमेटी की मीटिंग के दौरान IMF के लोग आ गए थे, उन्होंने ब्रीफ किया था। लेकिन बुनियादी तौर पे मसला ये है कि इस टाइम अनयूजुअल पॉलिटिकल सिचुएशन है, तो इसलिए वो अनयूजुअल जो है वो किस्म के काम हो रहे हैं। लेकिन जो बात मैं करना चाह रहा था इससे पहले आपसे, वो ये है कि जैसे ही ये प्रोग्राम खत्म होगा मार्च में, तो पाकिस्तान को IMF के एक नए प्रोग्राम में जाना पड़ेगा। तो ये IMF का लास्ट प्रोग्राम नहीं है, ये खुशियां मनाते रहे, लेकिन मसला ये है कि IMF का एक नया प्रोग्राम हमें लेना पड़ेगा। जी, अब बिगेरी साहब ये बताइएगा कि आपको लगता है कि जो नून लीग है वो मजीद टाइम मांग रही है इलेक्शंस के लिए, क्योंकि नवाज शरीफ साहब वो लोग जितना भी एक डेट दे दें या कहें कि वो आ रहे हैं, वो आना चाहते हैं, बट ही इज़ नॉट हेयर, और इसका नुकसान भी नून लीग को बहुत हुआ है, और इस तरह की स्टेटमेंट्स आना कि जब तक नवाज शरीफ नहीं आते इलेक्शंस में नहीं जाएंगे, और नून लीग के अंदर भी इस बात पे एक क्रिटिसिज्म होना, ये आपको ठीक लगता है? इस तरह से ये कैसे इसे कोप करेगी नून लीग, और उनके पास क्या स्ट्रेटजी है नवाज शरीफ की एब्सेंस में आगे बढ़ने के लिए? ये तो बहुत बाजारी बात है ना कि नवाज शरीफ नहीं आएगा तो नवाज कन्विक्ट हो गया, सुप्रीम कोर्ट ने सजा दी है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा वो आईन अमीन और नहीं है, फिर वो यहाँ भागा है, गलत रिपोर्ट थी, 50 रुपए का स्टाम्प पेपर दिया कि मैं वापस आ जाऊँगा, वो दिया आपके प्राइम मिनिस्टर ने। तो ये तो एक बहुत ही मतलब है इलॉजिकल सी चीज़ है, बड़ी इसका कोई स्टैंडर्ड नहीं बनता है इस चीज़ के कहने का कि जी नवाज शरीफ आएगा तो इलेक्शन होगा। इस तरह तो आप कहेंगे जी बम जेलों के दरवाजे खोलेंगे जब वहाँ से सारा तमाम मुजरिम लेंगे। लेकिन बिगेरी साहब, अगर इस्लामाबाद हाई कोर्ट की कोई ऑब्जर्वेशन NAB के खिलाफ आ जाए, फिर NAB को फेस करना पड़े कोर्ट, इसके भी तो चांसेस हैं।
चांसेस तो पाकिस्तान में हर चीज के हैं, जब आपने कोई काम करना हो तो एनीथिंग कैन बी। अब ये इम्पोर्टेड हुकूमत भी तो आ गई है ना, आ गई आगे तो साहब, यानी अभी आप देख ले पाकिस्तान की इकोनॉमी कहाँ लेके खड़ी, कहाँ जाके खड़ी हुई और क्या हुआ है। ये आ गए, किसी ने पूछा नहीं, ये आ गए, अब चल रहे हैं। वो चले, अब वही लोग हैं ना जो ये कह रहे हैं कि जी जब तक नवाज, मतलब नवाज शरीफ का आप मुझे बताइए ना रैशनल क्या बनता है। यहाँ पे शहबाज शरीफ लीड कर रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर है, इलेक्शन के ऊपर आपकी इलेक्शन की जो मैंडेट है वो आपको सुप्रीम कोर्ट ने या इलेक्शन कमीशन ने देना है। सुप्रीम कोर्ट 14 मई तक इलेक्शन नहीं हुए तो मैं, मुझे नहीं समझ आता कि हम किस रिपब्लिक को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। हमारा नाम इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है, तो क्या जमहूरियत ये कहती है कि जी आप तो चीज़ों की धज्जियाँ उड़ाओ, कानून की धज्जियाँ उड़ाओ। आपका टोटल कर्जा अभी देखिए कहाँ पहुँच गया है, कोई 58,962 अरब रुपये के करीब पहुँच गया है। कौन पे करेगा? IMF जो अभी आप बात कर रहे थे मेहताब साहब से, वो तीन जो आपको लोगों से मिल रही है, तीन मुख्तलिफ, यानी एक टिप अजीब सी चीज़ है कि एक कर्जा आएगा उसको रिपोर्टेडली या सपोजेडली तीन हुकूमतें डील करेंगी। तो साफ जाहिर है जो कर्जा देता है वो ये भी तो चाहता, जानना चाहता है कि ये कर्जा वापस आएगा या नहीं आएगा, और अगर आएगा तो किस तरीक़ेकार से आएगा। उसका जो बम माशियात का माशी बोझ का जो बम फटना है लोगों पर वो तो फट चुका है। आपने पैकों ने कहा जी 8 रुपये 32 पैसे जो है आप एनर्जी की कीमतें बढ़ा दें पर यूनिट, तो एक आम आदमी जो एक बल्ब जलाता है वो अगर सिर्फ 20 यूनिट भी यूज करेगा या 30 यूनिट भी यूज करेगा तो उसका बिल कहाँ से वो देगा। तो ये कहना कि जी वो आएगा, तो मैं कहता हूँ इससे बड़ी तो मेरी नज़र में तो इससे लो लेवल की बातचीत नहीं हो सकती किसी जमहूरी मुल्क में, जहाँ आप उस मुल्क के सिस्टम को एक इंडिविजुअल से रिलेट करें, और इंडिविजुअल भी वो जो कन्विक्टेड हो। यानी ये इसी तरह ठीक है बिगेर साहब, आप मेरे साथ ही रहिएगा जी। माजिद आप इस पर बात भी करते रहते हैं, आप इस पर लिखते भी हैं, क्या क्या नून लीग रास्ता बनाने की कोशिश कर रही है नवाज शरीफ का? क्या उनको रास्ता मिल जाएगा? क्या नवाज शरीफ ये खुद चाहते हैं कि उनकी एब्सेंस में ही नून लीग फ्लरिश करे, इलेक्शन भी जीत जाए? क्या ऐसा मुमकिन होगा, या वो चाहते हैं कि एनी हाउ वो इलेक्शन में ना जाएं क्योंकि जीतना तो उन्होंने है नहीं, ऐसा सोचते हैं? जी मुस्लिम लीग नून के लिए एक बड़ी पेचीदा और दिलचस्प सूरत हाल ये है कि गुज़िश्ता एक साल डेढ़ साल की हुकूमत में चूंकि उनके पास परफॉर्मेंस के नाम पर कोई मुतासर कुन प्रोग्राम ऐसा नहीं है, कोई ऐसे निकात नहीं है कि जिसको वो पेश कर सकें, तो मुस्लिम लीग नून के पास इलेक्शन में जाने के लिए अभी सिर्फ एक वाहिद रास्ता बचा है कि जिसमें वो अपने कारकुनों को या वोटर्स को ये उम्मीद दिला सकें कि हमारे जो पार्टी के सरबराह हैं या कायद हैं वो अगले इलेक्शन से पहले हमें मौजूद होंगे। तो पंजाब की अगर हम बात करें तो खसूसन यहाँ पर सियासी माहौल में बेहतरी लाने के लिए या सियासी नतायज को बेहतर करने के लिए उनके पास एक वाहिद ऑप्शन यही है कि इंतखाबात के वक्त यहाँ पे मियां नवाज शरीफ मौजूद हों और वो हलकों में जाएं और वहाँ पे खताब करें और वो इलेक्शन मुहिम को बढ़ाएं। दूसरा मुस्लिम लीग नून का मसला ये है कि मियां नवाज शरीफ के अलावा इनके पास ऐसा कोई लीडर नहीं है कि जिस पे मुस्लिम लीग नून, उसकी क्यादत, उसके रहनुमा और उसके वोटर्स का इत्तफाक हो। वाज़े कैंप मौजूद हैं, मरियम नवाज और शहबाज शरीफ, और दोनों कैंप्स कभी कोऑर्डिनेशन में होते हैं, कभी अलग हो जाते हैं। तो इसलिए ऐसा कहना कि मियां नवाज शरीफ के बगैर पाकिस्तान में या पंजाब में इंतखाबी मुहिम को चलाने के लिए कोई ऐसा लीडर है कि जिस पर मुस्लिम लीग नून का इत्तफाक हो, तो ऐसा कहना मुश्किल है। तो इसलिए चूंकि परफॉर्मेंस भी नहीं है, कारकर्दगी भी नहीं है और जमात के अंदर भी इख्तलाफात मौजूद हैं, तो उसका वाहिद हल तंजीम की तरफ से ये निकाला जा रहा है कि चूंकि मियां नवाज शरीफ बाहर हैं तो शायद इसलिए ये तमाम मसले हैं। तो इस मफरूजे की बुनियाद पे वो ये कहना चाह रहे हैं कि मियां नवाज शरीफ के वापस आने से हम अपने इंतखाबी नतायज को बेहतर कर सकते हैं। प्रोग्राम में खुश आमदीद मेहताब हैदर साहब, आप बताइएगा कि अब ये खुशकिस्मती समझें PDM की कि एनी हाउ मनसूबा हो गया और ये मुआहदा हो गया IMF के साथ, इसमें मिफ्ताह इस्माइल साहब का जो क्रेडिट बनता है अक्सर भूल जाता है मीडिया भी और उनकी अपनी जमात भी जो उनकी साबिका जमात थी, और लेकिन इवेंचुअली अब शहबाज शरीफ के पास ही क्रेडिट गया है। लेकिन क्या नून लीग इसको इलेक्शनरिंग में इस्तेमाल कर सकती है? क्योंकि हमारी आवाम को अनफॉर्चुनेटली टेक्निकलिटीज़ तो नहीं पता ना IMF की, उनके लिए यही बहुत एक अच्छी खबर है कि जी मुआहदा हो गया जो लोग समझते हैं, तो
तो नून लीग इसको पॉलिटिकली किस तरह से इसको कैपिटलाइज कर सकती है? देखिए, मैं अपने दोस्तों की गुफ्तगू सुन रहा था। देखिए, बुनियादी तौर पे इस मुल्क के अंदर एक चार्टर ऑफ इकोनॉमी की जरूरत तो है, लेकिन उससे पहले एक चार्टर ऑफ सर्टेनिटी की जरूरत है, क्योंकि जब तक सर्टेनिटी नहीं होगी तब तक चीजें आगे नहीं बढ़ेंगी, और उसके लिए रूल्स ऑफ द गेम तय करने बड़े ही जरूरी हैं। और मेहताब साहब, उससे पहले भी हमें डिफाइन करने की जरूरत है कि हमारे मुल्क के लिए सर्टेनिटी है क्या। जब हम ये कहते हैं तो हमें क्या चाहिए एग्जैक्टली पॉलिसी मेकिंग? देखिए, मसला ये है कि अगर मैं चार्टर ऑफ सर्टेनिटी की बात कर रहा हूँ, तो उस चार्टर की बुनियाद जो है वो इस मुल्क का आईन और कानून है। आईन और कानून के अंदर जो कुछ लिखा हुआ है, या तो उस पर अमल दरामद करें या उस आईन और कानून को बदल दें। मजहब जो कौमें हैं उनका तरीका यही होता है कि अगर उन्होंने एक आईन और कानून बनाया हुआ है तो उस पर अमल दरामद करते हैं। और आईन और कानून क्या कहता है? आईन और कानून ये कहता है कि अगर आपकी असम्बलियों की मुद्दत से पहले असम्बली डिजॉल्व हो जाती है तो 3 माह के अंदर इलेक्शन होंगे, और अगर टर्म पूरी होती है तो 60 डेज में होंगे। तो बुनियादी तौर पे उसी को कंप्लायंस की तरफ जाएं। अब जो आईएमएफ का प्रोग्राम है, आईएमएफ के प्रोग्राम का इश्यू ये है कि अभी भी चैलेंजेस बाकी हैं। आईएमएफ के प्रोग्राम के साथ हमें पावर का टैरिफ बढ़ाना पड़ेगा, हमें गैस का टैरिफ के अंदर इजाफा करना पड़ेगा। तो शॉर्ट टर्म में अगले 3 से 6 महीनों में ये जो इन्फ्लेशन आपको एवरेज मंथली इन्फ्लेशन थोड़ी सी कम होती हुई नजर आई है, आइंदा 3 से 6 महीनों में ये बढ़ती हुई महसूस होगी। एक तो ये बहुत बड़ा चैलेंज है। दूसरा ये है कि पाकिस्तान को अपने जो दोस्त ममालिक हैं उन सब से एडिशनल पैसे जो है वो मैनेज करने पड़ेंगे। अगर हम अपनी इकॉनमी को थोड़ा सा खोलना चाहते हैं, इम्पोर्ट्स के ऊपर जो रिस्ट्रिक्शन थी जो IMF के प्रोग्राम में, उस तरह की रिस्ट्रिक्शन हम नहीं रख सकते, तो वो रिस्ट्रिक्शन खत्म करनी पड़ेंगी ताकि थोड़ा सा ग्रोथ का मोमेंटम जो है वो इस इकॉनमी के अंदर इकोनॉमिक एक्टिविटीज को जो चोक किया हुआ है हमने, हम दोबारा से नॉर्मल इकोनॉमिक एक्टिविटीज की तरफ जाएं। आप ये देखें कि हमारा जो 70% हमारी एक्सपोर्ट्स हैं वो बेसिकली रॉ मटेरियल या इंटरमीडिएटली गुड्स आती हैं, इम्पोर्ट्स करते हैं, उसके अंदर वैल्यू एडिशन करते हैं और उसको हम एक्सपोर्ट कर देते हैं। तो ये इम्पोर्ट्स को कर्टेल करना जो है वो पाकिस्तान की इकोनॉमी के लिए ठीक नहीं है। तो दोस्तों से हमें पैसे चाहिए, और जो सबसे बड़ा चैलेंज है वो ये है कि जो अगला IMF का प्रोग्राम होगा उससे पहले हमें जो नॉन पेरिस क्लब कंट्रीज हैं, खासकर चाइना, उससे अपने डेट को रीप्रोफाइल करवाना पड़ेगा। ये IMF के प्रोग्राम की बुनियादी शर्त होगी, और इसके बगैर जो अगला IMF का प्रोग्राम है ये नहीं होगा। ये जो मौजूदा प्रोग्राम की मैं कंडीशनलिटीज आपको बता रहा हूँ, ये तो 9 माह में हमें एक तरफ तो टैरिफ इंक्रीज करने हैं यूटिलिटीज के, दूसरा हमने IMF के या प्रोग्राम की तफसीलात से हमने आएंगे तो आप देखेंगे उसके अंदर कुछ ऐसी चीजें उन्होंने रखी हैं कि जिनके नतीजे में हम फिस्कल डिसिप्लिन से बाहर ना जाए। क्योंकि वजह यह है कि अगर हमारा कोई शॉर्टफॉल होगा तो इन 9 माह के अंदर भी आप देखेंगे कि शॉर्टफॉल की सूरत में 2 चीजें हों, या तो हमें अपने खर्चात को कम करना पड़ेगा या कुछ मिनी बजट लाकर एडिशनल टैक्सेस लगाने पड़ेंगे ऑर्डिनेंस के। अगर असेंबली नहीं भी होती तो ऑर्डिनेंस के थ्रू वो टैक्सेस लगाने पड़ेंगे। तो आगे जो रास्ता है इकोनॉमिक फ्रंट पे वो कोई आसान और सहल नहीं है। इसलिए मैं शुरू में जो बात की थी कि एक चार्टर ऑफ सर्टेनिटी करें, रूल ऑफ द गेम तय कर लें और उनके मुताबिक जो है वो मुल्क को चलाने की बात। ठीक है बिगेरी साहब, ये चार्टर ऑफ सर्टेनिटी ये बहुत अच्छी बात की है और बड़ी अनयूजुअल तरीके से क्रिएट किया है उन्होंने टर्म। ये इसकी कोई पॉसिबिलिटी है? एंड आर वी विलिंग टू टॉक अबाउट दिस? और इतना बड़कपन आ गया हमारे सियासतदानों में भी, इस्टेब्लिशमेंट में भी, कि सर्टेनिटी पे डिस्कस करें? इकोनॉमी में सर्टेनिटी तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है ना, और चार्टर का मतलब ये है कि आप उसकी कोई टर्म्स एंड कंडीशन बना के जो रूलिंग पार्टीज हैं या अपोजिशन पार्टीज हैं वो एक लाए अमल बना ले, और वो जब लाए अमल बनेगा और उसके अंदर आपके पास पोलिटिकल प्रिडिक्शन भी आएंगी और पोलिटिकल एडजस्टमेंट भी आएगी तो वही जनरेट करेगी ना सर्टेनिटी आपके सिस्टम के अंदर। और अगर वो नहीं आएगी तो फिर तो सिस्टम में सर्टेनिटी जनरेट नहीं हो सकती ना। आज हम कह रहे हैं कि IMF ने अगर मायदा किया तो इमरान खान साहब के पास भी गए, वो क्यों गए ये बहुत बड़ा सवाल है सोचने के लिए, कि वो सोच रहे हैं कि जी कल को अगर ये हुकूमत आ गई तो ये ओन करेगी जो हम पैसा दे रहे हैं उसको, नहीं करेगी। यही है, यही चीज़ है जो अनसर्टेनिटी को इंडिकेट करती है। और ये जिस तरह हम जा रहे हैं तो मुस्तकबिल में
क्योंकि इलेक्शंस की डेट आपने अपने इसका ये बड़ा सर्टेनिटी बहुत क्लोजली रिलेटेड है इलेक्शन शेड्यूल से, और आपने देखा कि अभी आपने खुद अपने उसमें बताया कि वो इलेक्शन जो है उसको डिले करने की कोशिश की जा रही है, वो डिले ये करने की कोशिश करी जा रही है कि तमाम सर्वेज और हर चीज़ एक इंडिकेशन है बड़ी पॉजिटिव बड़ी सॉलिड कि ये जो पार्टियां बैठी हुई हैं इसमें देखो ये इलेक्शन नहीं जीतेंगी। ठीक है बिगेर साहब, मेरे पास आखिरी दो मिनट है, मुझे शॉर्टली एक और सवाल आपसे और माजिद से भी करना है कि हम ये देख रहे हैं चाहे FISP हो फिर सऊदी अरब और पाकिस्तान के दरमियान एग्रीकल्चर के हवाले से कोई नए पैक्ट हों, उसमें हमें फ़ौज का एक वाज़े मुआशी किरदार नज़र आ रहा है, आपको इससे ज़्यादा होप है या ये कैसा इनिशिएटिव है, क्या क्या इसमें पैनिक तो नहीं है या ये सही है, क्योंकि ये सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है कि फ़ौज और हुकूमत मिल के साथ काम करेगी, लेकिन जब हमारे डोमेस्टिक इशूज़ इतने ज़्यादा हैं तो उसमें हम इसको कैसे यकीनी बनाएंगे कि इंटरनेशनली भी हम कोई प्रोजेक्ट करें या बड़ी इन्वेस्टमेंट लेके आए तो उसमें स्टेबिलिटी रहे। ब्रिगेडियर साहब इसका एक ही मिसाल दूंगा, एक तो ये चीज़ बहुत जैसे हम पहले बात कर रहे थे बहुत डायरेक्टली रिलेट करती है सर्टेनिटी से, क्योंकि पार्टीज इधर उधर होंगी लेकिन फौज का करेक्टर और फौज की लीडरशिप उसने कंटिन्यूसली एक सिस्टम के तहत चलना है और वो वहाँ पर मौजूद है और वो आपको एक सर्टेनिटी प्रोवाइड कर सकती है। दूसरी चीज़ है आपने सी पैक देखी, जब सी पैक की इनिशियल चाइना के साथ बातचीत हुई थी तो उन्होंने इसकी कंटिन्यूशन को इंश्योर करने के लिए उन्हें कहा था कि आप एक सिक्योरिटी डिवीजन रेस किया गया था जिसका बुनियादी मकसद सी पैक के प्रोजेक्ट्स को प्रोटेक्ट करना था, और वो क्यों था, ताकि सी पैक जो है उसके जो प्रोजेक्ट्स बने उसके अंदर कोई अनसर्टेन एलिमेंट दाखिल ना हो सके। अब वो सी पैक क्यों नहीं चला या क्यों लोग, वो तो पोलिटिकल रीजन है आपके, लेकिन चाइना ने ये चाहा था कि फौज का इसके अंदर किरदार हो ताकि जो प्रोजेक्ट्स बन रहे हैं उनके अंदर एक लॉन्ग टर्म। ठीक है ठीक है माजिद, योर लास्ट कमेंट ऑन इट, ये ठीक है ये एकदम आपको इनकरेजिंग साउंड करता है कि फौज और हुकूमत आने वाले वक्त में मईशत के ऊपर इकट्ठे काम करें पब्लिकली करें। जी ये असूलन आईन और कानून को सामने रखें तो ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन पाकिस्तान की बदकिस्मती ये है कि यहाँ पे आईन और कानून से मामला और बाला तक बहुत सी चीजें हो रही हैं, तो ये हकायक हैं जिन्हें हमें तस्लीम करना पड़ेगा, और आलमी दुनिया के अंदर भी ये तासुर मौजूद है कि बहरहाल पाकिस्तान में अगर किसी से बात करनी है तो वो एस्टेब्लिशमेंट है क्योंकि सियासतदान और उनका मुस्तकबिल गैर यकीनी पन का शिकार। लेकिन जो बिगेर साहब ने बात की कि जो सेंस ऑफ सिक्योरिटी अभी अनफॉर्चुनेट है कहीं और से नहीं आ रही सेंस ऑफ सिक्योरिटी, तो क्या कर सकते हैं, लेकिन मेहताब हैदर साहब योर वेरी शॉर्ट कमेंट ऑन इट, जस्ट वन सेंटेंस प्लीज। देखिए फौज इस मुल्क का हिस्सा है और उनका अगर कोई इस मुल्क की इकोनॉमी के हवाले से बेहतर और पॉजिटिव रोल हो सकता है तो व्हाई नॉट, आइन और कानून के तहत जो उनका काम है वो करें, मवराए आइन कामों में उनको नहीं चाहिए कि वो इन्वॉल्व हो। और ये मैं जो आपको बताऊं ये जो कौंसिल बनी है इसमें सबसे इंपॉर्टेंट काम ये है कि जो बॉटल नेक्स ब्यूरोक्रेसी और ब्यूरोक्रेटिक हर्डल्स हैं उनको रिमूव किया जाए और वन विंडो ऑपरेशन किया जाए। ठीक है, बहुत शुक्रिया तीनों मेहमानों का प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए, प्रोग्राम देखने का शुक्रिया। अच्छा, अल्लाह हाफिज़।